एक कंपाउंड ये, दूसरा कंपाउंड बेस की प्रेजेंस में, आपने कहा कि एल्डोल कंडेंसेशन पॉसिबल है। आपने कहा यस, ठीक। ये कंपाउंड अल्फा हाइड्रोजन रखता है, ये कंपाउंड अल्फा हाइड्रोजन नहीं रखता है। अब आपने बताना है क्या प्रोडक्ट, क्योंकि आप ये पढ़ते हैं कि एल्डोल कंडेंसेशन देने के लिए कंपाउंड में अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है। एल्डोल कंडेंसेशन देने के लिए कंपाउंड में अल्फा हाइड्रोजन जरूरी। तो क्या यहां पर दूसरा कंपाउंड बेकार है, सिर्फ यही प्रोडक्ट बनेगा? या कुछ और भी बने, ये आपको बना। एसिटल्डिहाइड से तो एथिलेट आयन बच जाएगा। एसिटल्डिहाइड से तो मैंने बना दिया ना भाई। तो जो एनालेट आयन एसिटल्डिहाइड से बनेगा, तो कार्बन एंड कार्बन फॉर्मल्डिहाइड के अटैक नहीं हो? मुझे नहीं पता, ये तो आप बताओगे। आपने कहा रिएक्शन हो रही है, मैंने तो आपको सारी चीजें दे दी, सारा क्लू दे दिया यार। इस सवाल सवाल को समझ, सवाल समझ में आ रहा है? हाँ, सवाल क्लियर है? यस सर। अब जो जवाब है वो समझना जरूरी है। कंपाउंड्स, कंपाउंड्स भी नहीं, अभी जैसे हमने कंडीशन दी है, तो उस कार्बोनिल कंपाउंड which does not have alpha hydrogen, ठीक है, can participate in aldol condensation as कार्बन आयन एक्सेप्टर्स। समझे ना? तो जो बात तुम कह रहे हो, जो मेरे से तुम सवाल कर रहे थे, एग्जैक्टली वही जवाब है। इस सर्टन सी बात है कि CH3CHO जब इनोलेट आयन बना लेगा, यानी CH2-CH, ठीक है, तो ये CH2-CHO वो कार्बन आयन की तरह से कौन एक्सेप्ट कर सकता है? ये एक्सेप्ट कर सकता है, ये इसको एक्सेप्ट करेगा। तो एक प्रोडक्ट इसके साथ और क्या बनेगा? CH2OH CH2CHO, राइट, क्लियर है? एंड इट इज द एग्जांपल ऑफ क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन। तो वो आपको HCHO दे सकता है, वो आपको C6H5CHO दे सकता है, ठीक है। ये दोनों ही अल्फा हाइड्रोजन नहीं रखते, सो ये रिएक्शन में क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन के अंदर वास्तव में कार्बन आयन एक्सेप्टर की तरह से वर्क कर सकते हैं, यानी ये हमेशा अल्कोहल वाला हिस्सा बनाएंगे, OH वाला हिस्सा बनाएंगे, ये आपको ध्यान रखना। ये CHO वाला हिस्सा नहीं बनाएंगे या CO वाला हिस्सा नहीं, राइट।